सैकड़ों एकड़ पर फैली कदीमी वादी यसून की झील खबेकी में गुज़िश्ता बारिशों और चश्मों के फूटने से पानी की सतह मुख्तलिफ जगहों पर 8 फीट और 20 फीट बुलंद है। पानी के इजाफे से 12,000 की आबादी खबेकी, 4,000 की आबादी अहमदाबाद को खतरा लाहक है। अगर इसी तरह पानी रोज बरोज बढ़ता गया तो झील का पानी शहर में दाखिल होने से बड़े नुकसान का खदशा है, जिससे ज़रई ज़मीन जो कि पहले पानी में डूबने से फसलें तबाह हो चुकी हैं, अब शहरियों के मकानात गिरने का खदशा है। जबकि गुज़िश्ता सितंबर की तूफानी बारिशों में ज़रई रकबा पानी में डूबा हुआ है, फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि मकानात मुनहदम होने के साथ साथ कीमती जानों का ज़िया और दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। सियासी और समाजी शख्सियात मलिक सफदर हयात, मलिक मोहम्मद रफीक, मलिक ए बी आवान, मलिक मोहम्मद मुमताज़ ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस सिलसिला में वाटर पंप लगवाकर इजाफी पानी को पहाड़ों की दूसरी जानब निकासी का इंतजाम करने के फौरी इकदाम करे। कोई पुरसान हाल नहीं, बारिशों के दौरान सियासी नुमाइंदों ने दौरे किए, वादे किए, माँ सिवाय फोटो सेशन के आज तक किसी ने कोई खबर नहीं ली। रिपोर्ट मलिक जाहिद फारूक आवान, नौशहरा वादी सुन। जी कभी के झील के सिलसिले में हमें काफ़ी प्रॉब्लम है। हमारे वादी जो है ना तकरीबन पानी के अंदर आ चुकी है। हुकाम में बाला से हम काफ़ी दफ़ा दरख्वास्त कर चुके हैं, MP, MNA, AC साहब, DC साहब और कमिश्नर साहब तक, और वज़ीर आज़म पंजाब से भी दरख्वास्त है कि खुदारा हमें बचाया जाए। क्या हालात, और किसी ने हमको आकर पूछा भी नहीं है कि जिंदा है मर गए हैं, जब वोट लेने तो अब तब तो आ जाते हैं। और दूसरा, हमारे जो यहाँ मकामी इदारे हैं AC DC साहबान, उन्होंने भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जो पानी खड़ा है, ये सितंबर में जो बारिशें हुई हैं उनकी वजह से यहाँ नई झील बन गई है, और ये जो मकानात सामने नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 32 घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये लोग नकल मकानी करके दूसरे गांव जा चुके हैं। ये वही अहमदाबाद झील के ऊपर हम खड़े हैं, अहमदाबाद खबेकी झील। ये वो रकबा है जो कि पूरी सुन वैली में मशहूर है। यहाँ हर साल 4 अरब की सब्जी शुरू होती थी, वेजिटेबल्स, गोभी, और इसके अलावा ये देखें पानी के अंदर डूब चुका है, 12-13 कनाल रकबा है और ये घर गिर चुके हैं। और मेरी अपील है मिनिस्टर मियाँ खालिद, मिनिस्टर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट मियाँ खालिद से, और इमरान साहब इधर आ भी चुके हैं 1996 में PM साहब, तो रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के ऊपर रहम किया जाए और इनकी कोई मदद फरमाई जाए। बहुत मेहरबानी जी। मैं खबेकी झील से बोल रहा हूं जी। यहां पे जो हालात पैदा हो गए हैं, या पानी जो है वो बहुत बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा ख़तरा है आबादी को, तो मेरी हुकामे बाला से गुजारिश है, वज़ीर आला साहब से गुजारिश है, और AC साहब से गुजारिश है, DCO साहब से गुजारिश है कि यहां आकर देखें यहां हमारे साथ क्या हो रहा है। हम पानी की ज़द में आ गए, पूरी आबादी जो है जो पानी की ज़द में आ चुकी है।